नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपका विनिंग एज में स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिवीजन रूल पढ़ना शुरू कर दिया था और उसके कई प्रकार के क्वेश्चंस भी किए थे। उनमें से एक टाइप मैंने ये भी करवाया था, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट है। तो एक इस क्वेश्चन को और एक टाइप का क्वेश्चन और है, उसे हम करेंगे, ठीक है? अच्छा बच्चों, आपसे मैं एक बात कहना चाह रहा था कि बच्चों, मैथ का जो होमवर्क है ना, वो सभी बच्चे हाथों हाथ कंप्लीट करके भेजिए मुझे। अब जैसे इस क्लास का काम आप नेक्स्ट से नेक्स्ट क्लास में भेजते हैं, तो प्यारे बच्चों आपको डाउट, देखो होमवर्क आप भेजते हो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन प्यारे बच्चों अगर वो हाथों हाथ खत्म हो ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, कोई समस्या है मैं बैठा हूं आपके साथ, ठीक है? कोई भी समस्या होगी, हर प्रकार के आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे, तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, आपको किसी प्रकार की मैं दिक्कत आने नहीं दूंगा, ठीक है? अच्छा, और प्यारे बच्चों अब आपके सामने मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया है कि ये पॉलिनोमियल है और उसके दो जीरोज हैं, तो कह रहा बाकी के दो जीरोज निकालो। तो मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, जीरोज जो होता है, शून्य जो होता है, वो हम हाइएस्ट पावर को देख के निकालते हैं। तो यहां पे प्यारे बच्चों हाईएस्ट पावर कितनी है, फोर है, और जब हाईएस्ट पावर फोर है तो उसके जीरोस भी फोर होंगे, जिसमें से दो जीरोस हमें दिए हुए हैं, दो हमें निकालने हैं। तो प्यारे बच्चों हमने काम कैसे किया था, आइए देखते हैं। नाउ बच्चों, मैंने बताया था ना, ये जो जीरोस होते हैं ये एक्स के बराबर होते हैं, बताया था, ये जो जीरोस होते हैं ये एक्स के बराबर होते हैं। तो इसको उठा के इधर ले आइए, ये बनेगा x माइनस 5/3 बराबर 0, और ये बनेगा x प्लस अंडर रूट 5/3 बराबर 0, यही बनेगा ना। अब क्या कीजिए, ये आपका फैक्टर 1 है या आपका फैक्टर 2 है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 मल्टीप्लाई सेकेंड। तो जब आप करेंगे तो x माइनस अंडर रूट 5/3 और x प्लस अंडर रूट 5/3, ठीक है? अब बच्चों ये a माइनस बी, ए प्लस बी जैसा लग रहा है, तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। तो मेरे प्यारे बच्चों ये एक फैक्टर बन गया, किसका फैक्टर बन गया, इसका। तो हम लिखेंगे सो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 इज अ फैक्टर फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। हम क्या लिखेंगे, हिंदी वाले लिखेंगे इस प्रकार एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 एफ ऑफ एक्स का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, ठीक है? तो गुणनखंड का मतलब क्या प्यारे बच्चों, गुणनखंड का मतलब यह है कि आप इस वाले कंटेंट से इस पूरे को क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। चलिए डिवाइड करके देखते हैं बच्चों, और जैसा कि आप लोगों को मैं डिवाइड सिखा चुका हूं और आप लोग सभी बड़े अच्छे से सीख भी चुके हैं, देखिए एक एक चीज मैं कवर कर रहा हूं, किसी को डाउट होगा तो मुझे मैसेज कीजिए, ठीक है? वैसे तो मैं डाउट के लिए कोई जगह छोड़ नहीं रहा हूं, ठीक है? अगर आप थोड़ी सी भी माइनस प्लस की समझ रखते हैं तो आपको दूर दूर तक इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है? चलिए आइए शुरू करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 इससे डिवाइड करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको करना क्या है, फिर से वही बात कि हमें चाहिए क्या और हम लोग भाई हमें चाहिए क्या और हमारे पास है क्या। तो प्यारे बच्चों हमें चाहिए 3x का 4 और है क्या हमारे पास, एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब एक तो प्यारे बच्चों हमें 3 चाहिए, लो जी 3 लगा दिया, और एक x की 4 चाहिए, जिसमें से हमारे पास क्या है, x की 2 है, तो यानी और कितना चाहिए होगा, x की 2। चलो अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं, इस पूरे की मल्टीप्लाई इससे करो तो क्या बन जाएगा बच्चों, वो 3 तो रहेगा ही, x की स्क्वायर क्या बनेगा, x की 4। अच्छा अब इस 5/3 की मल्टीप्लाई इससे करो, तो बच्चों यहां पे देखना क्या होगा, जब आप 5/3 की मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर से करेंगे तो क्या होगा, 3 से 3 तो कट जाएगा, बचेगा क्या, 5x स्क्वायर। तो x स्क्वायर को x स्क्वायर के नीचे लिखेंगे, है ना,
एक्स स्क्वायर वाले को किसके नीचे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर वाले के नीचे लिखेंगे। पता है ना कहां से आया, 3 से 3 कट गया आपके सामने, 5x स्क्वायर, वो भी कैसा माइनस का। चलिए सॉल्व करेंगे, ये माइनस ये प्लस, कट गया 6x क्यूब नीचे, 5 में से 2 गया, प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? चलिए अब आगे बढ़े। हां जी, अब क्या चाहिए हमें? अब बच्चों हमें 6 चाहिए, तो लीजिए 6। एक्स क्यूब चाहिए, एक्स स्क्वायर है तो इसका मतलब x लगाएंगे। अच्छा अब इसे मिटा दो, अब एक्स स्क्वायर को 6x से मल्टीप्लाई करो, तो 6x स्क्वायर और x, एक्स क्यूब। अच्छा अब देखिएगा, अब 5/3 को 6x से, 5/3 को किससे, 6x से, तो 3 से ये कटेगा 2, 5 2 जा 10x, तो 5 2 जा 10x, लेकिन यहां तो माइनस है तो क्या लगेगा, माइनस का 10x। चलिए साइन कर दीजिए, कैंसिल। समझ में आया? दोबारा बताऊं, देखो फिर से देख सकते हो, ये माइनस का 5/3 है, ठीक है, और ये प्लस का 6x है, तो 3 2 जा 6 और 5 2 जा कितना होता है 10x, तो यहां से आया ये, ठीक है। अच्छा इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, नीचे क्या उतरेगा, 3x स्क्वायर और माइनस का 5, ठीक है। अच्छा अब देखिए, x स्क्वायर तो है हमारे पास, कमी किसकी है, 3 की, तो लगा लो प्लस का 3, तो चलो मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर, 5/3 को 3 से मल्टीप्लाई, 5/3 को 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 से 3 कट गया, बचा क्या, माइनस का 5, ठीक है। हां जी, तो ये आ गया माइनस, ये आ गया प्लस, मैंने क्या बताया था, कट के क्या आ जाना चाहिए, ऐसे केस में कट के 0 आ जाना चाहिए, क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए, आ गया। अच्छा अब जब 0 आ चुका है प्यारे बच्चों, तो बाकी के जीरोस हम किससे निकालेंगे, बाकी के जीरोस हम इससे निकालेंगे, बताया था मैंने। चलिए हां जी, उठा के ले आओ इधर, नाउ 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, यही है बच्चों। चलिए अब इसको इक्वेशन मान लेंगे 0 के बराबर, ठीक है, फैक्टर बनाइए, 3 3 जा 9, 9 का फैक्टर बनेगा 3 3 और 3 1, 3 और 3 6 होता है, होता है, तो चलिए 3x प्लस 3x प्लस 3, अरे ये तो पूरा ही 3 3 3 हो गया है ना। चलिए तो 3x कॉमन आएगा तो x प्लस 1 बचेगा, यहां से 3 कॉमन आएगा तो x प्लस 1 बचेगा, तो यहां से x प्लस 1 कॉमन लेंगे, यहां से 3x प्लस 3, तो x प्लस 1 बराबर 0, 3x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। तो प्लस का 1 इस तरफ आके क्या बनेगा, माइनस का 1, और हां जी x वो 3x प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3, 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड, कैंसिल 1, तो x बराबर माइनस 1, तो यानी x के दोनों जीरोज क्या आए, माइनस 1 और माइनस 1, ये आया बच्चों आंसर, ठीक है। तो हम लिखेंगे द जीरोज आर, जीरोज आर 5/√3 माइनस 5/√3 माइनस 1 एंड माइनस 1, हम लिखेंगे इस प्रकार शून्यक है, ये तो पहले से ही दिए हुए थे, ये दो हमने और निकाल लिए, ठीक है, वो तो पहले से ही दिए हुए थे और दो हमने और निकाल लिए। अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि क्या भैया सेम जीरोज आ सकते हैं, तो भाई बिल्कुल आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, जीरो सेम भी आ सकते हैं, जीरोज अलग अलग भी आ सकते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ सकता, ऐसा भी हो सकता है एक प्लस में आ जाए एक माइनस में आ जाए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ सकता, लेकिन आंसर सबका सेम होना चाहिए, इससे फर्क पड़ता है, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर इसी टाइप का एक क्वेश्चन और कराने जा रहा हूं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वो करेगी फिर। तो आइए बच्चों अब इस क्वेश्चन की बारी है, जो बिल्कुल सेम इसी तरीके से है जो हमें करना है, लेकिन बच्चों सॉरी ये इसके अंदर अब देखो कंटेंट थोड़ा सा बदल गया है, और इस बदलने के चक्कर में ही बच्चों को ये क्वेश्चन टफ लगने लगता है, जबकि मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल है, और आपको इसमें बिल्कुल भी डरने घबराने की जरूरत नहीं है कि जी अचानक से एक ऐसा क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, आपके सामने किसी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए आप बहुत इजी तरीके से जो आपके बेसिक मेथड सिखाए गए हैं उन्हीं को अगर आप एनालाइज सही से करें तो उसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व बड़े प्यार से हो जाएगा। जैसे ये देखिए, हमें करना वही सेम चीज है,
भाई फोर जीरोज हैं इसमें, कैसे? हाईएस्ट पावर फोर है, जिसमें से दो दिए हुए, दो फाइंड करने हैं। तो प्यारे बच्चों, मैंने क्या बताया था, जो जीरोज होते हैं, जो जीरोज होते हैं वो एक्स के बराबर होते हैं कि नहीं? अब आप एक काम करो, इसको ना इस प्रकार से रख लो, इसको इस प्रकार से रख लो, ठीक है? और अब आपको करना ये है कि इसके अंदर से कुछ ऐसी चीजें बाहर निकाल देनी है कि आपके लिए ये सुविधाजनक हो जाए। अच्छा, अब एक बात बताओ, एक रूट वाले नंबर में और एक बिना रूट वाले नंबर में आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, ज्यादा पेचीदा, अजीब कौन सा लगता है? रूट वाला नंबर, ठीक है? इस दुनिया में हर स्टूडेंट के लिए रूट वाला नंबर एक बहुत ही मुसीबत लगती है उसे, कि भाई रूट आ गया, अरे मुसीबत। लेकिन बच्चों घबराना नहीं है, अगर आपको जब भी रूट वाला नंबर दिखे तो आपका पहला फर्ज यह बनता है कि आप उस रूट को हटाएं, ठीक है? अब ये नहीं कि हाँ जी रूट दिख रहा हटा दिया, ऐसे नहीं। आपको काम ऐसा करना है कि कुछ गड़बड़ी भी ना हो और वो हट भी जाए, ठीक है बच्चों? जैसे देखिए, सबसे पहले काम कीजिए, या अगर इसे एक यूनिट नहीं भी मानेंगे तो भी चलेगा, ठीक है? देखिए आप क्या कीजिए भाई, प्लस का टू इधर ले आइए, माइनस का टू, रूट थ्री को इधर ले आइए, माइनस का रूट थ्री बराबर जीरो। सेम केस इधर भी, प्लस का टू इधर आके, माइनस का रूट थ्री बराबर जीरो, ठीक है? अब एक काम करो बच्चों, देखो इधर एक्स माइनस टू है, इधर भी एक्स माइनस टू है कि नहीं है? ठीक है, अब आप ना एक्स माइनस टू और एक्स माइनस टू को एक सिंगल यूनिट मान लो, आप एक्स माइनस टू और एक्स माइनस टू को क्या मान लो? सिंगल यूनिट मान लो। अब देखो रूट थ्री अकेला हो गया कि नहीं हो गया बच्चों? ठीक है, अब आप क्या, अब अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो क्या ये आपको ए माइनस बी ए प्लस बी जैसा लग रहा है? फिर से देखेंगे ध्यान से, ए माइनस बी ए प्लस बी, देखो लग रहा है? तो बस आपको पता ही है कि इसे फर्स्ट मानेंगे, इसे सेकंड मानेंगे, और फर्स्ट और सेकंड की मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यही होता है। चलिए इसको ओपन कर लेंगे बच्चों, इसको ओपन कीजिए। जब आप इसे ओपन करेंगे तो ध्यान से देखो क्या बनेगा, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है वो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, यही होता है। और माइनस रूट थ्री का स्क्वायर, तो बच्चों थ्री होगा जीरो, तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स, टू टू जा फोर एक्स, माइनस थ्री बराबर जीरो। तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स, और फोर में से थ्री गया बच्चों वन, तो लो जी आपका ये फैक्टर आ गया, ठीक है? हम लिखेंगे सो दिस इज द फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स, हम लिखेंगे इस प्रकार, यह इस प्रकार, यह एफ ऑफ एक्स का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? यहां तक समझ में आया सभी बच्चों को? क्या किया मैंने, बस मैंने बच्चों टू को एक्स के साथ ले गया, क्यों ले गया, ताकि मेरे लिए रूट का नंबर अलग हो जाए, ठीक है? चलिए अब जरा ध्यान से देखेंगे, अब तो वही सेम काम करना है, डिवाइड, और डिवाइड तो हम लोगों ने अपने बचपन में ही सीख लिया था, एक्स की फोर, सिक्स एक्स की क्यूब माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35। और डिवाइड किससे करना है हमें, डिवाइड करना है हमें एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इससे डिवाइड करना है, सही बात है? चलिए करेंगे, एक्स स्क्वायर है हमारे पास, एक्स की फोर चाहिए, तो इसका मतलब और क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर, कीजिए मल्टीप्लाई, एक्स का फोर, फोर से करेंगे माइनस का फोर एक्स स्क्वायर और एक्स एक्स का क्यूब, वन से करेंगे क्या आएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर, सॉल्व कीजिए, माइनस प्लस माइनस कट गया, ठीक है? ये इससे ऐड होगा तो क्या आएगा, माइनस का 2x³ माइनस माइनस प्लस 27x² प्लस 138x माइनस 35, ठीक है? अच्छा अब क्या करेंगे, अब बच्चों माइनस का 2x³ चाहिए, तो मतलब माइनस का 2 तो चाहिए ही, एक्स स्क्वायर है हमारे पास, एक्स क्यूब चाहिए, मतलब एक एक्स और चाहिए। चलिए करेंगे जरा, टू से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2x³
4 से करेंगे माइनस माइनस प्लस, 4 टू जा 8 एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर 1 से करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस का 2x, माइनस का 2x। क्या सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है? ठीक है, हो रहा है ना क्लियर सभी बच्चों को? अब देखिए, हाँ जी यहां तक आ गए। अब इसको क्या, अब ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, कैंसिल भाई। 27 और 8 कितना होता है, 35 माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस प्लस तो प्लस का 140x और ये माइनस का 35। अच्छा अब देखिए, एक्स स्क्वायर तो है हमारे पास, माइनस का 35 चाहिए, तो लो जी माइनस का 35 करो मल्टीप्लाई, माइनस का 35 एक्स स्क्वायर, 4 से करो माइनस माइनस प्लस, और 35 चौक के 140 ही होता है बच्चों, ठीक है। और एक से करेंगे तो माइनस का 35, तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, कट गया कट गया कट गया, जीरो आ गया बच्चों। देखो हो गया सॉल्व। देख लो ये क्वेश्चन ना मोस्टली मैंने देखा हर बार तीन स्टेप में ही सॉल्व हो जाते हैं। अभी तक देखो मैंने आपको तीन क्वेश्चन कराया, तीनों के तीनों कितने स्टेप में सॉल्व हुए, तीन स्टेप में ही सॉल्व हुए, ठीक है। चलिए अब इसको उठा लेंगे, नाउ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस 35 बराबर जीरो। अच्छा 35 का फैक्टर बनाना है, तो बच्चों 35 का फैक्टर हर किसी को पता है कि 35 का फैक्टर बनता है 5 और 7, और 7 में से 5 जाएगा तो 2 ही आएगा, ठीक है। तो आपको मैंने फैक्टर का नियम क्या सिखाया है कि अगर मुझे माइनस का 2 चाहिए तो बड़ा नंबर माइनस और छोटा नंबर प्लस। और 35 को क्या मैं 5 इंटू में 7 लिख सकता हूं? बिल्कुल, क्यों? क्योंकि 5 7 जा 35, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, एक्स, एक्स माइनस 7, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 5, 5 माइनस 7, चलो हो गया काम, एक्स माइनस 7 एक्स प्लस 5। अब एक्स माइनस 7 को 0 के बराबर, एक्स प्लस 5 को 0 के बराबर, ठीक है। चलिए तो माइनस का 7 इधर आके प्लस, और प्लस का 5 इधर आके माइनस, तो बच्चों टू जीरोज, जो दूसरे नए जीरोज आए वो कौन कौन से आए, एक तो आया 7 और एक आया माइनस का 5। तो देखो कितना इजी है, मतलब आपको सिर्फ एक नंबर अलग करना था, उसके बाद वही सेम प्रोसेस कॉपी करना है जो अब तक आप पढ़ते आए हो, ठीक है। तो बच्चों बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, इस वीडियो को एक बार दो बार तीन बार देखिए, अच्छे समझिए, ठीक है। और कोई डाउट आता है तो मुझे सेंड कीजिए, उस डाउट को हम कवर करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, आगे देखते हैं। तो आइए बच्चों एक टाइप और हम लोग करते हैं, इसकी मैं एक क्लास और दूंगा आपको, ठीक है। फिलहाल ये लास्ट टाइप बचा है, ठीक है। और फिर इन्हीं टाइप्स के अंदर एक एक दो दो टाइप और नए नए निकल निकल के आते रहते हैं, तो वो भी हम कवर करेंगे, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। फिलहाल ये लास्ट टाइप बचा है अभी इसका, ठीक है, और ये हमें करना है। अच्छा बच्चों याद करो, मैंने आपको एक क्लास में जब डिवाइड मैंने शुरुआत करवाई थी तो मैंने आपको कुछ बताया था कि जैसे इसे ए बोलते हैं, इसे बी बोलते हैं, इसे क्यू बोलते हैं, इसे आर बोलते हैं, याद है। और फिर मैंने आपसे डिस्कस किया था कि प्यारे बच्चों ये जो बीच वाला होता है वो इन दोनों की मल्टीप्लाई और प्लस में रिमाइंडर के बराबर होता है। क्या यही बात हुई थी आपकी और मेरी, ठीक है। अब इसी का अगर थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, मतलब इसको लिख दिया जाए एफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, इसे लिख दिया जाए जी ऑफ एक्स, इसे लिख दिया जाए क्यू ऑफ एक्स, इसे लिख दिया जाए आर ऑफ एक्स, तो चेंज करने में क्या दिखेगा, ए की जगह पे हम क्या रखेंगे एफ ऑफ एक्स, बी की जगह पे क्या रखेंगे जी ऑफ एक्स, और इसकी जगह पे क्या रखेंगे क्यू ऑफ एक्स, और प्लस में आर ऑफ एक्स। तो बच्चों हमारे लिए ये पॉलिनोमियल का रूल बन गया, क्या बन गया, पॉलिनोमियल का रूल, को भी किसमें, डिवाइड करने में, किसमें, डिवाइड करने में। यहां तक मेरे बच्चों को क्लियर है सब, ठीक है। ये सारी बातें हम पहले कर चुके हैं, करने के बावजूद भी हमें देखो क्या बोला है कि एफ ऑफ एक्स दिया है, क्यू ऑफ एक्स दिया है, आर ऑफ एक्स दिया है, जी ऑफ एक्स निकालो, सिंपल। प्यारे बच्चों अभी अभी रूल पढ़ा हमने कि एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, जी ऑफ एक्स के मल्टीप्लाई में क्यू ऑफ एक्स के प्लस में आर ऑफ एक्स, यही है ना। अच्छा अब मुझे इतना बताइए एफ ऑफ एक्स है कितना, एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, यही है ना, क्वेश्चन चेक कर लेता हूं, हाँ ठीक है ठीक। इक्वल जी ऑफ एक्स कितना है, अरे भैया वो तो हमें निकालना है, मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स कितना है, एक्स माइनस टू मल्टीप्लाई प्लस आर ऑफ एक्स माइनस का टू एक्स, माइनस का टू एक्स प्लस फोर,
ठीक है जी। अच्छा अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहीं पे इसको प्लस करना शुरू कर देते हैं। ऐसी गलती मत करना बच्चों आप लोग प्लीज। क्यों? क्योंकि बोर्ड मास के रूल के हिसाब से हमेशा पहले भाई क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, बाद में ऐड होता है, ठीक है? तो इसलिए आप लोग ऐड पहले नहीं कर सकते, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा अब देखिए, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू। अच्छा अब ये पूरी चीज यहां पे कैसी है प्लस की, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये पूरी चीज, ये वाली पूरी चीज यहां पे कैसी है प्लस की, लेकिन ये पूरी चीज जब उठ के इस तरफ आएगी तो कैसी हो जाएगी, माइनस की, ठीक है? तो ये प्लस वाली चीज हो जाएगी माइनस, और ये अंदर जितना भी लिखा हुआ है सब कुछ सेम रहेगा, पता है ना? क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया, ये पूरी चीज प्लस की है, तो ये पूरी चीज किसकी रहेगी, माइनस की, अंदर वालों को छेड़ना नहीं है। अब ये बन गया जी एक्स इंटू में एक्स माइनस टू, ठीक है? अब सॉल्व करो, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, माइनस माइनस प्लस का 2x, प्लस माइनस माइनस का 4, यहां तक क्लियर हो गया? जी एक्स इंटू में एक्स माइनस टू, ठीक। अच्छा एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, टू और वन 3x, 4 में से 2 गया माइनस का 2, ठीक है? चलो हाँ जी, अब मुझे जल्दी से बता दो ये पूरा क्या कर रहा है इसके साथ, मल्टीप्लाई, क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, तो इधर आके क्या करेगा, डिवाइड, क्या करेगा डिवाइड, जल्दी बता दो फटाफट, क्या करेगा डिवाइड। और मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को डिवाइड करना नहीं आता, सभी बच्चों को बहुत बेहतरीन लेवल पर डिवाइड करना आता है, ठीक है? तो बस आप लोग इसको डिवाइड करके दिखाइए, कुछ इस प्रकार से डिवाइड होगा, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू, और ये है एक्स माइनस टू। चलिए शुरू करें डिवाइड, क्या चाहिए, एक्स क्यूब, क्या है एक्स, तो एक्स स्क्वायर और लेंगे, करो मल्टीप्लाई, करो इससे एक्स क्यूब, टू से करो टू एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस, कट गया बच्चों, थ्री में से टू गया माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस थ्री एक्स माइनस टू। अच्छा एक्स है, एक्स स्क्वायर चाहिए, वो भी कैसा, माइनस का, तो माइनस का एक्स करेंगे मल्टीप्लाई, माइनस एक्स स्क्वायर, टू से करेंगे माइनस माइनस प्लस का 2x, तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, कट गया, थ्री में से टू गया एक्स माइनस टू। अब देखो ये भी एक्स माइनस टू, ये भी एक्स माइनस टू, तो क्या चाहिए होगा, प्लस का 1, एक्स को 1 से एक्स, टू को 1 से माइनस टू, माइनस प्लस, कैंसिल कैंसिल, जीरो। तो हाँ जी हमें क्या निकालना था, हमें जी एक्स निकालना था, और जी एक्स को डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आया, ये। तो हमारे लिए बच्चों जो जी एक्स बना, हमारे लिए जो जी एक्स बना वो क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और यही आपका क्या है, आंसर है। समझ में आई बात, कि जब आप इस पूरे को इससे डिवाइड कर देंगे और जो भी आंसर आपका आएगा वही आपका कौन होगा, जी एक्स होगा। तो प्यारे बच्चों आपको वही जी एक्स निकालना था। तो समझ में आई सभी बच्चों को ये बात, कितना सिंपल सा रूल है, बस इसको यहां पे पुट करना है, प्लस वाले को उठा के यहां लाना है माइनस, ठीक है, प्लस वाले को उठा के यहां लाना है माइनस, सॉल्व करना है, फिर जो मल्टीप्लाई कर रहा है उससे डिवाइड करना है, और जो आंसर आएगा वही आपका जी एक्स होगा। क्लियर हो गया सभी बच्चों को, ठीक है? तो आज की क्लास में यही खत्म कर रहा हूं, 3 क्वेश्चन मैंने कराए आपको, और यही आपके टॉपिक का लास्ट टॉपिक था। हाँ कुछ नए नए वैरायटी के क्वेश्चंस हैं, तो मैं आगे आगे आने वाले डाउट क्लास या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लासेस में वो सारे क्वेश्चन कवर करूंगा। अभी फिलहाल आप लोग आरडी शर्मा खत्म करने की तैयारी करें, पूरी नहीं, सेकेंड चैप्टर से, सेकेंड चैप्टर से एक एक क्वेश्चन टैकल करना शुरू करें, जो डाउट आए मेरे को व्हाट्सएप करें, फिर मैं उसको अगली क्लास में भाई सॉल्व करना धीरे धीरे सॉल्व करूंगा, ठीक है? और मैं आप लोगों को अब डाउट क्लास के लिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए भी अलग अलग क्लास की टाइमिंग बताऊंगा, तो फिर वो भी धीरे 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 हम लोग कवर करेंगे, ठीक है? तो अभी फिलहाल आपको ये कराया गया है, इसी के साथ आपका चैप्टर ओवर होता है, ठीक? और नेक्स्ट क्लास में मैं सोच रहा हूं कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ फिर हम लोग अभी थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे। अच्छा अभी हमने स्टार्टिंग की है सेकेंड से, फर्स्ट भी कराऊंगा टेंशन मत लो, सेकंड भी सेकंड करा दिया, अब इसके बाद थर्ड चैप्टर की स्टार्टिंग होगी, ठीक? और फर्स्ट होएगा उसके बाद, ठीक? तो चलिए ये सॉल्व कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं होमवर्क के साथ और नए चैप्टर के साथ।